हेलो डियर फ्रेंड, थिंक हाई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अक्टूबर महीने के 50 सबसे चर्चित करंट अफेयर्स देखेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो हमेशा लेकर आते हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इंडियाज फर्स्ट टनल रेलवे स्टेशन विल बी बिल्ट इन, पहला टनल रेलवे स्टेशन इंडिया का किस स्टेट में बिल्ड किया जाएगा? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। इसकी जो ऊंचाई होगी 3000 मीटर होगी। इस स्टेशन का नाम की लॉन्ग स्टेशन रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी एटीएम विल बी लॉन्च्ड, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर बेंगलुरु? इसका राइट आंसर है बेंगलुरु। ये एटीएम 1000 डिपॉजिट और विड्रॉ करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऐप इज लॉन्च्ड बाय रेलवे टू बाई अनरिजर्व्ड टिकट ऑनलाइन? VTS मोबाइल, RTS मोबाइल, CTS मोबाइल या UTS मोबाइल ऐप? इसका आंसर होगा UTS मोबाइल ऐप। ये आपको मदद करेगा अनरिजर्व टिकट को ऑनलाइन खरीदने में। इसे सबसे पहले मुंबई में लॉन्च किया गया था, क्योंकि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल लोकल में ट्रैवल करते हैं। इसके बाद दिल्ली में स्टार्ट किया जाएगा, उसके बाद फिर चेन्नई सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी इज डेडिकेटेड टू विच लीडर? ये तो शायद सभी को पता होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू होगा और सिचुएटेड ऑन नर्मदा रिवर इन गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू गिव लीगल प्रोटेक्शन टू गुड समैरिटन्स? आंसर होगा कर्नाटका। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ बिकम फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट इन द कंट्री? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर गोवा? आंसर होगा केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोर्टल मैं नहीं हम विच इज लॉन्च्ड बाय नरेंद्र मोदी? सेल्फ फॉर फैमिली, सेल्फ फॉर सेल्फ, सेल्फ फॉर सोसाइटी, सेल्फ फॉर ऑल? इसका आंसर होगा सेल्फ फॉर सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोकिया अपॉइंट्स डैश एच ब्रांड एम्बेसडर, प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण या कैटरीना कैफ? आंसर होगा आलिया भट्ट। आलिया भट्ट अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नोकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चन इज रिटन बाय स्टीफन हॉकिंग, जेके रॉलिंग, एपीजे अब्दुल कलाम या फिर नन? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर होगा स्टीफन हॉकिंग। नेक्स्ट वीडियो पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स थे उन पे भी एक वीडियो बना रखा है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर नारायण दत्त पास्ड अवे, ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बोध या फिर नन? इसका आंसर होगा बोध। नारायण दत्त तिवारी ये उत्तराखंड के एक बार चीफ मिनिस्टर और उत्तर प्रदेश के 3 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के 3 बार चीफ मिनिस्टर, उत्तराखंड के एक बार चीफ मिनिस्टर, आंध्र प्रदेश के गवर्नर और यूनियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, फाइनेंस, पेट्रोलियम एंड कमर्शियल एंड इंडस्ट्री, इनमें भी ये सर्व कर चुके हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो आंसर होगा बोथ। द फर्स्ट कॉर्न फेस्टिवल ऑफ द कंट्री वाज हेल्ड इन विच स्टेट? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इंडिया का लार्जेस्ट कॉर्न प्रोड्यूसिंग स्टेट है, जिसमें से छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कॉर्न प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसाम गवर्नमेंट विल प्रोवाइड डैश रुपीज अंडर ए वेज कंपनसेशन स्कीम फॉर प्रेग्नेंट वुमेन इन टी गार्डन ऑफ द स्टेट?
कितना अमाउंट होगा, 10,000, 11,000, 12,000 या फिर 13,000। इसका आंसर होगा 12,000। इस स्कीम के जरिए वुमेन को बेटर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सप्लाई दिया जाएगा जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होगी, और जो भी 12,000 रुपये दिया जाएगा उनसे प्रेग्नेंट वुमेन को और अनबॉर्न बेबी का देखभाल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया? राजेंद्र शर्मा, अनूप वाल्मीकि, मोहम्मद मुश्ताक अहमद या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा मोहम्मद मुश्ताक अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल लॉन्च 3 आर्टिफिशियल मून इन स्पेस इन 2022? इसका आंसर होगा चाइना। इसे आर्टिफिशियल मून या फिर मैन मेड मून कह सकते हैं। ये जो सैटेलाइट होगा ये ह्यूज स्पेस मिरर होगा जो रिफ्लेक्ट करेगा सनलाइट को टू द अर्थ, और ये जो मैन मेड मून है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अर्थ के ऑर्बिट से 500 किलोमीटर के अंदर इसे रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्रीज फर्स्ट इंडिया इजराइल इनोवेशन सेंटर एंड एंटरप्रेन्योरियल टेक्नोलॉजी हब वाज लॉन्च्ड इन? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या फिर बेंगलुरु? इसका आंसर होगा बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द 2018 सुल्तान ऑफ जौहर कप? ग्रेट ब्रिटेन, रशिया, चाइना या फिर पाकिस्तान? राइट आंसर है ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वॉन द 2018 सुल्तान ऑफ जौहर कप। किसे डिफीट किया? तो इंडिया को डिफीट करके ये चैंपियन बना है, ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सी ब्रिज हांगकांग जुहाई मकाऊ ब्रिज इज बिल्ट इन विच कंट्री? जापान, इंडिया, यूएसए या फिर चाइना? दुनिया की सबसे लंबी ब्रिज जो हांगकांग जुहाई और मकाऊ को जोड़ेगी ये चाइना ने बनाया है। इसकी कुल लंबाई 55 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्माण कुसुम प्रोग्राम इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? उड़ीसा, बिहार, झारखंड या फिर बंगाल? इस प्रोग्राम को उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 2018 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स विच कंट्री हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड? यूएसए, चाइना, जापान या फिर इंडिया? आंसर होगा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवार्डेड द सियोल पीस प्राइज 2018? अमित शाह, केजरीवाल, नीतीश कुमार या फिर नरेंद्र मोदी? इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाहाबाद इज नाउ नोन एज, ये तो शायद सभी को पता होगा कि अलाहाबाद अभी इसका नेम चेंज होकर प्रयागराज रखा गया है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज़ वॉन विजया हजारे ट्रॉफी 2018? मुंबई हैज़ वॉन विजया हजारे ट्रॉफी 2018। मुंबई ने दिल्ली को 4 विकेट से डिफीट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एनुअल अवार्ड इन द नेम ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस इज अनाउंस्ड फॉर एक्टर, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन या फिर पुलिस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस? ये प्राइज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अनाउंस किया गया है, और ये एनुअल प्राइज है, हर साल दिया जाएगा, और ये पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को उनके एक्सलेंट वर्क के लिए अवार्ड किया जाएगा, पुलिस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट स्वच्छता मेला वाज ऑर्गेनाइज्ड बाई? लेडी हरदिंगे मेडिकल कॉलेज, आईआईटी दिल्ली, एम्स दिल्ली, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, इनमें से कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा एम्स दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड एडिशन ऑफ द समर यूथ ओलंपिक गेम्स वाज इनॉग्रेटेड इन? लंदन, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्राज़ील? इसका राइट आंसर है अर्जेंटीना। ये पहली बार था
जब समर यूथ ओलंपिक गेम्स एशिया के बाहर ऑर्गेनाइज किया गया था? इसका आंसर है अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर विल बी सेट अप इन विच सिटी? रांची, पटना, दिल्ली या फिर भोपाल? इंडिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना यूनिवर्सिटी पटना में सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स फॉर 2018? 58, 57, 59 या 60? इसका राइट आंसर है 58 रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल एट द एशियन पारा गेम्स जो कि इंडोनेशिया में चल रहा था? इसका आंसर होगा संदीप चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज रैंकिंग ऑन द गवर्नमेंट एडॉप्शन ऑफ ई पेमेंट इन 2018 इज 27, 28, 29 या फिर 30? इंडिया का पोजीशन है 28th पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन अंडर 19 एशिया कप 2018 टाइटल? ढाका, इंडिया, पाकिस्तान या फिर श्रीलंका? इसका राइट आंसर है इंडिया। श्रीलंका को हराकर अंडर 19 एशिया कप इंडिया ने अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीमेक्स 18 इज अ बाइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? जापान, चाइना, रसिया या फिर पाकिस्तान? इसका राइट आंसर होगा जापान। हाउ मेनी इंडियन कंपनीज हैव फीचर्ड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट रिकॉर्डेड फर्म कंपाइल्ड बाई फोर्ब्स 2018? 10 कंपनी, 11, 12 या 13 कंपनी? टोटल 12 कंपनी है, तो राइट आंसर है इसका 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट अनवेल्ड द उन्नति स्कीम? इसका राइट आंसर है कर्नाटका। ये स्कीम एससी एसटी बैकग्राउंड के एंटरप्रेन्योर को प्रमोट करने में मदद करेगा, इसीलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जितने भी गवर्नमेंट स्कीम होते हैं जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को लाभ पहुँचता है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम इंडियाज फर्स्ट जूडो मेडलिस्ट एट द ओलंपिक लेवल इन यूथ ओलंपिक गेम्स 2018? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन एक ही मैंने रखा है, याद रखिएगा थंगजाम तबाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कट्स इट्स फोरकास्ट फॉर वर्ल्ड ग्रोथ फॉर 2018 एंड 2019 एट 3.7%, 4.7%, 5.7% या फिर 2.7%? इसका राइट आंसर है 3. नोबेल प्राइज, देखिए नोबेल प्राइज से मैं आपको अभी 5 फील्ड में बताऊंगा कि किन्हें किन्हें नोबेल प्राइज मिला है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एक फील्ड से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। 2018 नोबेल प्राइज इन मेडिसिन अवार्डेड टू जेम्स एलिशन, टुसुकु होंजो, दोनों या फिर नन? इसका राइट आंसर है बोथ 1 एंड 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी नोबेल प्राइज पे ही बेस्ड है। 2018 नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स अवार्डेड टू इकोनॉमिक्स के लिए यहाँ भी बोथ 1 एंड 2 होगा, विलियम नॉर्थर्स, पॉल रूम, बोथ 1 एंड 2, ये इकोनॉमिक्स के। नेक्स्ट है, पीस प्राइज किसे मिला? नोबेल प्राइज इन पीस अवार्डेड टू डेनिस मुखबेजी एंड नादिया मुराद, बोथ 1 एंड 2। ठीक है, डेनिस मुखबेजी एंड नादिया मुराद, ये है पीस प्राइज। 2018 नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स अवार्डेड टू, फिजिक्स में किन्हें मिला है? आर्थर अस्किन, गेरार्ड मौराउ, डोना स्ट्रिकलैंड या फिर इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑल, फिजिक्स में तीनों को प्राइज मिला है। नेक्स्ट है, देखिए 2018 नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री के फील्ड में है, किन्हें अवार्ड मिला है?
फ्रांसिस एच आर्नोल्ड, जॉर्ज पी स्मिथ, सर ग्रेगरी पी विंडर या फिर सभी। इसका राइट आंसर है ऑल, सभी। फ्रांसिस एच आर्नोल्ड, जॉर्ज पी स्मिथ, सर ग्रेगरी पी विंडर। ठीक है, पांच फील्ड में मैंने बताया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस और दो नाम थे, एक इकोनॉमिक्स में और फिर मेडिसिन में। तो पांच फील्ड हो गए, इन पांच को आप अच्छे से दिमाग में रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनना डेफिनेटली फिक्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट हैज अनाउंस द क्रिएशन ऑफ अ न्यू डिस्ट्रिक्ट निवारी? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश? इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली नेशन सेलिब्रेटेड 114th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज सेकेंड प्राइम मिनिस्टर, नेम द प्राइम मिनिस्टर। आपको प्राइम मिनिस्टर का नाम बताना है, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल या नन। इसका राइट आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री, और इनका स्लोगन था जय जवान जय किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज वॉन द फाइनल ऑफ 24th सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2018? मिजोरम, मणिपुर, असम या फिर नागालैंड? आंसर है मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैग बियरर ऑफ द इंडियन कंटिजेंट फॉर द थर्ड पैरालंपिक एशियन गेम्स? थंगवेलु मारियप्पन, अंकुर धामा, सुंदर सिंह या फिर शरद कुमार? इसका राइट आंसर होगा थंगवेलु मारियप्पन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली अ डिस्टेंट ड्वार्फ प्लैनेट हैज बीन डिस्कवर्ड बाई एस्ट्रोनोमर फ्रॉम सुबारू टेलीस्कोप। इसमें ऑप्शन मैंने एक्स्ट्रा नहीं रखा है, इसका राइट आंसर है द गॉबलिन, द गॉबलिन ड्वार्फ प्लैनेट। द बेस्ट डिपार्टमेंट फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू स्वच्छता पखवाड़ा अंडर द स्वच्छता ही सेवा कैटेगरी ऑफ अवार्ड इज गिवन टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। इसका राइट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण अवार्ड 2018 गिवन टू पंजाब, दिल्ली, हरियाणा या फिर राजस्थान? इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। आरबीआई हैज इम्पोज्ड अ पेनाल्टी ऑफ 10 crore rupees ऑन फेडरल बैंक फॉर नॉन कंप्लायंसेस ऑफ सर्टेन आरबीआई डायरेक्शन। इसका राइट आंसर है 5 crore rupees। इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।